इंदौर हाई कोर्ट ने भंवर कुंवर टीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। मोबाइल व्यापारी के सुसाइड नोट में 5 नाम थे, सिर्फ 2 को आरोपी बनाया, वो भी फरार। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इंदौर के भंवर कुंवर इलाके की द ग्रैंड होटल के कमरे में मोबाइल व्यापारी के सुसाइड मामले में अब कोर्ट ने दखल दिया है। इस मामले में भंवर कुंवर पुलिस ने 2 लोगों को आरोपी बनाकर केस दर्ज किया था। महिला आरोपी की जमानत हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। आरोपी महिला की जमानत कैंसिल होने के बाद एसटीएफ के आरोपी सिपाही ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में भंवर कुंवर पुलिस के डुनमोल रवैया को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए शनिवार को इस मामले में जवाब पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि व्यापारी की पत्नी ने वकील के माध्यम से इंदौर पुलिस से आरोपियों के स्टेटस को लेकर जवाब मांगा था। 2 हफ्ते पहले भी इस मामले में भंवर कुंवर पुलिस को जवाब सबमिट करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। मामला जून 2023 में द ग्रैंड होटल में राजीव पुत्र सुधीर प्रसाद शर्मा निवासी रायल बंगलो के सुसाइड का है। राजीव के पास से मिले 5 पन्नों के सुसाइड नोट में महिला नर्मदा बाई, उसके बेटे राजीव की बिल्डिंग के मालिक, एसटीएफ के सिपाही प्रशांत और जांच करने वाले एक एसआई का नाम भी था। इस मामले में भंवर कुंवर पुलिस ने जांच करते हुए नर्मदा बाई और प्रशांत को आरोपी बनाया, लेकिन 3 माह से ज्यादा समय होने के बाद भी दोनों की गिरफ्तारी नहीं ली। 2 बार नर्मदा बाई की जमानत खारिज। इस मामले में फरार नर्मदा बाई ने पहले जिला अदालत में जमानत आवेदन लगाया, लेकिन यहां से जमानत निरस्त हो गई। इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया गया, वहां से भी उसकी जमानत निरस्त हो गई। मामले में अब एसटीएफ के सिपाही ने अग्रिम जमानत के लिए अपील की है। 2 बार जवाब नहीं दिया, अब टीआई को किया तलब। राजीव की तरफ से वकील ने बातचीत में बताया कि राजीव के मामले में शुरुआत से ही पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। सुसाइड नोट में सीधे तौर पर 5 लोगों के नाम होने के बाद भी 2 को ही आरोपी बनाया गया। इस मामले में भंवर कुंवर पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखे बाकी नामों को आरोपी नहीं बनाए जाने को लेकर 2 बार स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन भंवर कुंवर पुलिस ने अपनी तरफ से किसी तरह की रिपोर्ट बनाकर पेश नहीं की। इस मामले में अब 3री बार हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में भंवर कुंवर टीआई को आरोपियों और केस की स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं वकील ने बताया कि दूसरे आरोपी प्रशांत की अग्रिम जमानत को लेकर भी वह मृतक राजीव की पत्नी की तरफ से आपत्ति पेश करेंगे। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।